नमस्कार आप देख रहे हैं द मुकेश राजपूत शो और आज इस शो में एक अलग तरह की एनर्जी है क्योंकि आज हमारे साथ खाटू श्याम जी के भगत बैठे हैं और ये हमेशा भगवा धारण करके रहते हैं हालांकि ये जो भगवा है ये खाटू श्याम जी के आशीर्वाद के तौर पर इसको मानते हैं धर्मवीर जी हमारे साथ हैं आप सभी जानते हैं तीसरी बार आप चुनावी मैदान में हैं लोकसभा में मोदी के सिपाही के तौर पर तो ये जो चुनाव है ये 2014 से या 19 से कैसे अलग है दस साल पहले पहले तक अलग अलग सरकार थी केंद्र में मिली जुली सरकारें भी बनी और सही मानो तो 84 के बाद जो चुनाव थे उसमें पहली बार मोदी जी को स्पष्ट बहुमत मिला था 2014 में बीच के अर्सा में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं था जी और जब मिली सरकार होती है तो छोटे छोटे दल मड़ाई के महक में मांगते हैं या तो मैं वापस या मुझे ये महकमा चाहिए आ। ये महकमा चाहिए और उसकी वजह से देश की आर्थिक दशा बहुत खराब हुई बहुत ख़राब हुई मुझे आज भी याद है आप दो हज़ार का बजट अगर देखोगे जो कांग्रेस का आखिरी बजट था वो मुश्किल से अट्ठारह उन्नीस लाख करोड़ रुपये का था केंद्र का बजट और आज हमारा वो बजट उनचास लाख करोड़ का हो गया नया कोई टैक्स नहीं लगा सिर्फ और सिर्फ क्या था कि लीकेज थी वहाँ बहुत भारी बहुत भारी करप्शन थे और करप्शन करने के लिए बहुत अच्छे तरीके उन लोगों ने अपना रखे थे आपको याद होगा जब मोदी जी ने नोटबंदी करी बहुत चिल्लाए विपक्ष के लोग फिर जीएसटी लागू की तो बहुत चिल्लाए जी आज हर आदमी इससे खुश है कि कम से कम एक दरवाज़ा खोल दिया टैक्स का ताकि टैक्स की चोरी ना हो और उसी चीज़ को जब ऑनलाइन किया गया तो आप हैरान रह जाओगे सवा दो लाख से भी ज़्यादा फर्जी कंपनियाँ पकड़ माँगी और वो फर्जी कंपनियां जिस प्रकार मिल के फेरी करती थी उदाहरण के तौर पर बाहर माल कच्चा भेजना है पक्का भेजना है असल माल भेजने की बजाय भाठे रोड़े रेत डाल देते और फिर यहाँ वापस आके क्योंकि तो डॉलर के रूप में मिलता है पैसा यहाँ जो भी उनको फ़ायदा देना होता है भारत सरकार से जो विड्रा करते हैं उसमें कितना बड़ा गपला था उसी की वजह से ये बजट ढाई तीन गुना बढ़ गया और वो कंपनियाँ जब बंद हुई तो चिल्लाए विपक्ष वाले क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं कोई डायरेक्टर था कोई कुछ था दाल चलते यानी ऐसे ऐसे देखिए हमने कंपनी का मालिक दुबई में बैठा है कंपनी का मालिक बम्बई बैठा है और दुकान उसकी छोटी सी बिहानी है दुकान में माल बिकता है हजार रुपये का कंपनी कारोबार कर रही है पाँच करोड़ का जी ये जो इस प्रकार का जो घपला था वो मोदी जी ने बंद किया और बंद करने के बाद इस दस साल में जो वो पैसा खर्च किया डिफेंस के ऊपर जी ये शेल कंपनीज जो थी झूठी कंपनियां कंपनियाँ हाँ। तो इनके थ्रू पैसा थुर भेजा जा रहा था जो ईडी की बात करते हैं तो वो सारी चीजें एक तरीके से के तौर हाँ पर बहुत हाँ। सी कंपनियां बना रखी सवा दोला कंपनी थोड़ी नहीं होती वो कारोबार कुछ करती है कारोबार कुछ कर रही है और बाहर माल भेज रही है कहने के लिए असली लेकिन भेज देते रेत मिट्टी फला और यहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं दूसरे सौदों में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्ट करने के बाद क्योंकि आप जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करोगे तो आपको सरकार उसका बेनिफिट देगी जी वो बेनिफिट झूठा ले लिया और यहाँ पर लोगों को बेवू बना के उस पैसे को अनाप शनाप कहीं दूसरे धंधों में लगा दिया तीसरे में लगा दिया एक सोसाइटी एक्ट ऐसी है सोसाइटी एक्ट और कंपनी एक्ट ये जो लोग कंपनी बनाते हैं कंपनी का मालिक कहीं होगा दुकान में लेगी आपको दादरी में लोगों को लूट लेंगे और उसका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा वो जो सारा पैसा है उसी पैसे से हमने माननीय मोदी जी ने इकट्ठा किया नेशनल हाईवे रेलवे की अब देखोगे ना दो हज़ार तीस तक तो सारा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल जाएगा डिफेंस में हम कभी बॉर्डर पर जाते थे मैं उस कमेटी में रहा हूँ हमें दस दिन लग जाते थे बॉर्डर पर जाते वक्त चाइना की फ़ौज ऊपर बैठी थी हमारे आज हमारे भी बेस बन गए आज हमारी कनेक्टिविटी क्या बढ़िया बेहतर बना दी तो ये जो पैसा है कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज सारा देश में प्रदेश में हेल्थ के अंदर आयुष्मान कार्ड यानी और अब तो एक टारगेट कर दिया कि सत्तर साल का भी उसमें शामिल हो जाएगा गरीब आदमी दो तक ये देश विकसित देश कैसे बने ताकि हर आदमी विदेशों की तरह हमारा भी ए, हेल्थ में भी फायदा उठा उसके घर से पैसा ना लगे सोशल सिक्योरिटी हो जाए सोशल सिक्योरिटी हो जाएगी सोशल सिक्योरिटी हम देखो ना अस्सी करोड़ आदमियों को पाँच किलो तक का अनाज हमने किसी ने पता ही नहीं था कि पहले ये जो मुआवजा किसानों को मिलता है दस साल पहले नहीं पता था कि इतना भारी मुआवजा भी मिल सकता है यही नहीं आप देखोगे हमारे यहाँ पेंशन थी पहले जब कांग्रेस गई तो साढ़े छः सौ लास्ट में एक हज़ार किया था जो वो तीन हज़ार होगी तो पैसा तो वहीं से आया है जी नया कोई टैक्स नहीं है आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे आप इंडस्ट्री की तरफ देखोगे हम दिल्ली के एनसीआर में हैं और एनसीआर में होने के कारण आने वाले टाइम पर यहाँ बहुत बड़ा हमें फ़ायदा मिलेगा कनेक्टिविटी बढ़िया होने पर ताकि हम यहाँ पर इंडस्ट्री जी मतलब बहुत कम आ, मिनिस्टर्स या सांसद ऐसे मिलते हैं जो इन चीज़ों की जानकारी रखते हैं आपने बताया कि जो शेल कंपनीज हैं वो किस तरीके से देश को लूट रही थी दूसरा जो विपक्ष मुद्दा बनाता है जीएसटी। जीएसटी में जो हमारा देश है वो अब जीएसटी कलेक्शन में बहुत अच्छा पैसा अर्जित कर रहा है तो जी के भी आपकी नज़र में अगर फायदे हैं तो वो हमें समझाइए देखिए पहले टैक्सीज थे उनके गेट अलग अलग थे तरीके अलग, अलग अलग थे पैसे लेने के सारे सेंटर का एक जीएसटी बन गया स्टेट के हिसाब से सारा और ये आज से नहीं है ये कांग्रेस के टाइम पर उनकी भी डिमांड थी लेकिन उन्होंने देखा उन्होंने देखा वो कर तो पाए नहीं करते वो इसलिए नहीं कर पाए कि वो सेल कंपनियाँ उनकी ज़्यादा थी वो करते तो उन्हीं को नुकसान था हाँ। और मान लिया आप इस गेट से आए हो हम दुकान कर रखी हमने किसी चीज़ की उसके चार गेट खोल दो तो मालिक को तो नहीं पता चलेगा कहाँ से आया कहाँ से आया।, आया।, आया कौन ले गया कौन नहीं अब जब एक दरवाज़ा हो गया तो सारा ऑनलाइन कहीं ना कहीं आधार कार्ड से लिंक होगी सारी चीज़ अब वो पैसे की या फिर कर ही नहीं पाता इसीलिए ये बजट बढ़ गया है तो राजीव गांधी जी कहते थे कि पैसा तो हम भी बहुत भेजना चाहते हैं लेकिन मैं भेजता एक रुपया हूँ पहुँचते पंद्रह पैसे आप भी कांग्रेस में ही बिल्कुल था रहे हैं और तो वो जो पंद्रह पैसे उस वक्त राजीव गांधी जी के समय में या कांग्रेस के समय में मिलता था जिसको वो भेज रहे हैं तो आज की तारीख में सौ रुपये भेजते हैं आप तो कैसे मिल बेनीफि जैसे किसी को आप पेंशन दोगे डायरेक्ट उसके खाते आएगा किसान को जो पैसा मिल गया उसके खाते जाने लग गया जो गरीब को अनाज है वो सारा का सारा ये कर दिया ऑनलाइन कर दिया पहले जो सिस्टम था वो सिस्टम बदल दिया जब डायरेक्ट बेनिफिशरी को किसी प्रकार का भी बेनिफिशरी है उसको पैसा सीधा देने लगी सरकार हर वर्ग को किसान है मजदूर है ओबीसी है बीसी है और जो कारीगर है इन सब को अलग अलग सिस्टम बना दिए कोई वर्ग ऐसा छोटा छोटा नहीं है जिसको डायरेक्ट बेनिफिशरी को पैसा ना दिया हो जी अभी जो नोटबंदी हुई तो नोटबंदी को लेकर विपक्ष हमेशा निशाना साधता रहता है कि लाइनों में लगवा दिया मोदी जी ने लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ आपकी नज़र में उसका भी फायदा बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ जिसके पास एक नंबर का था उसने तो बदलवा लिया अपना जिसके पास दो नंबर का था वो हड़बड़ा गए उन्होंने फिर किसी ने तो पैसा कहीं फेंका किसी ने कहीं फेंकिया और अब आप भविष्य में जलाए भी। अब बहुत बड़ा जब सारा हिसाब किताब घर का आ गया हमारा देश घर है परिवार है पता लग गया कि कितना दो नंबर का है अब वो लोग डर रहे हैं कि दो नंबर का नहीं कमा सकते इसीलिए तो जब दो नंबर का नहीं कमाओगे तो सीधा बजट मजबूत होगा बहुत सारे नेताओं की या पार्टियों की तो कड़ी तोड़ दी आपने बेचारे चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहे नोटबंदी कर दी सारे पैसे अब ख़त्म हो गए उससे भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा पहुंच गया नहीं 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 देखो ऐसा है चुनाव में ये जो ज़्यादा खर्च है ये चुनाव में जो जिस प्रकार से शराब का बांटना पैसे बांटना ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए न, बहुत बुरी बात है बल्कि मैं ये जो चीज़ देखता हूँ ना देश के अंदर हम जानबूझ के एक दूसरे का विरोध करवा देंगे चार शराबियों को खड़ा करके कह तो ये ये विरोध कर ले ये विरोध कर ले हमारा शांति प्रिय देश है शांति प्रिय देश में शराब का बांटना पैसे बांटना उस पैसे से वोट खरीदना वो एक वोटर को लालच तो दे देता किसी बड़े ठोंडे को लेकिन उसका आगामी दूरगामी का परिणाम बहुत गंदा निकलता है आप नहीं बांटते शराब या पैसा नहीं नहीं मैं आप क्या लालच देते हो वोटर को हम अपनी बात और बिल्कुल सीधी बताते हैं मुझे आज भी याद है जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ मैं यहाँ से सोना जब गया तो मैंने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं है वोट दोगे आपकी सेवा करूँगा नहीं दोगे तो मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा जिसको जिताना चाहो जिन ये जो इलाका है अपना राजस्थान से लगता हुआ इलाका है और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की सही बात है अधिकतर जो जगह है पानी बहुत नीचे चला गया है डार्क जोन में आ गया है जहाँ पे थोड़ा ऊपर है वहाँ पे खारा पानी निकल रहा है पीने के लायक नहीं है सड़कें सड़कें तो आपने बहुत बढ़िया बना दी लेकिन पानी की समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई किसान ने पानी को जमीन से निकाल लिया और कुछ एक डार्क जोन ऐसे बन गए जहाँ पीने का पानी भी नहीं बचाया ये हमारे क्षेत्र में जब सिक्सटी सिक्स में हरियाणा बढ़िया मुझे याद है कि चौधरी बंशीलाल जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सारी कि सारे प्रदेश में नहरों का जाल बिछाया लेकिन बीच का जो पीरियड आया बहुत लंबे समय तक वो नहर सूख गई नहरों में पानी नहीं पहुंचा इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले जे की कैपेसिटी बढ़ाई जो मात्र बारह सौ तेरह से ज़्यादा पानी नहीं आता था, था आज कहीं जाके पूछ रहे उसको ढाई हज़ार क्यूसेक के ऊपर ले आई और भविष्य में यह साढ़े तीन हज़ार क्यूसेको क्रॉस कर जाएगा उसी का पानी टोटल महेंद्रगढ़ जिला रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारा लोहारू का इलाका ये सारा का सारा है जे के पार्ट महेंद्रगढ़ कैनाल हो लोहारू कैनाल हो उसके बाद हमारा दूसरा सिस्टम था जूई सिस्टम जूई सिस्टम को अब जाके जब सात सौ क्यूसिक की नहर जुई बनी सिस्टम क्या होता है जू नहर अच्छा हाँ। जूई नहर को भी दोबारा रिमोट करना पड़ा सात सौ क्यूसिक के आसपास बनी थी ये आज वो हमने बारह सौ की डिजाइन करके दोबारा बना दी उसका पानी धीरे धीरे हम हमारा जो अपना हिस्सा था वो कहीं ना कहीं कहीं और जा रहा था तीसरा हमारा सिस्टम था शिवानी नहर का उसको भी रिमोट लिंक वो सारा ही कहने के लिए पानी तीन सौ क्यूसिक था लेकिन सवा दो सौ क्यूसक से ज़्यादा नहीं रहता था आज हम साढ़े तीन सौ क्यूसक लेते हैं उससे जी हमारा पुराना कुछ एक सिस्टम आज भी डैमेज है उदाहरण के तौर पर दादरी का जो सिस्टम है बाउंड डिस्ट्रिक्ट है व्यवहानी सब ब्रांच है इसका पानी सारा पीछे चला जाता है पीछे के लोग चोरी कर लेते हैं हमने नहर तो बना ली लेकिन जो पीछे के लोग हैं जहाँ से नए नाले निकाले उन्होंने आज पानी का ग्राम पीछे के लोगों पीछे से का क्या मतलब जो पीछे है? का मतलब जो नहर पीछे है हाँ। पीछे रही जैसे हमारी दादरी हाँ। आ, हाँ। हाँ। आ रही है ज्यादातर हाँ। रोज तक तो आ रही है वहां पे ज्यादा बहुत बुरा असर क्या है तो बोंद का इलाका है दादरी तक का इलाका है हमारे ब्यूानी तक का इलाका है वहाँ पानी नहीं पहुंच पाता लोग चोरी कर लेते हैं लोगों को शर्म तो रही नहीं और आप देखोगे उस इलाके में तो चोवा आ गया चोवा कहता हूँ मैं जहाँ वाटर लॉगिंग होगी और हमें पीने का पानी नहीं देते अब जाके ना हम बहुत बड़ा इलाका जैसे मैं जेलन के मार्फ़त कहता हूँ तो आप महेंद्रगढ़ ज़िले के किसी गांव में जाके देखोगे बहुत अरसे के बाद चालीस साल के बाद हमने वहाँ पर पानी दिया है नए नए जोड़ खोदे हैं सारे पंप हाउसेज बदले हैं लोहारू के बदले हैं बाडड़ा के बदले हैं एक जो बीच का रह गया, हमारे पास दादरी बौंद, इसके बीच में क्योंकि हम वाला इलाका बारह तेरह सौ थी अदवा ढाई हजार होगी और भविष्य में वो साढ़े तीन हजार हो जाएगी एक बहुत लंबा हर गांव में जोड़ का बनाना तालाब का सौंदर्यकरण करना वाटर रिचार्ज करने के लिए सारा सिस्टम एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में 90 परसेंट छोटे जो जमींदार हैं वो मिलके क्लस्टर के तौर पर अगर पानी लेंगे तो ड्रीप इरीगेशन या स्प्रिंकलर सेट के तहत 90 परसेंट से भी ज़्यादा पैसा सब्सिडी का सरकार देती है जी ये लोकतंत्र है हमारे देश की खूबसूरती है यहाँ पे सरपंच काम करते हैं एम काम करते हैं सभी का काम करने का दायरा अलग अलग होता है लेकिन जैसे जब वोट डालने जाता है तो वोटर सांसद से भी सवाल पूछता है कि आपने मेरे इलाके के लिए क्या किया बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्योंकि आप तो केंद्र में जाते हैं जो हरियाणा सरकार है ये दावा करती है कि हमने आखिरी तेल तक पानी पहुंचा दिया है इस जगह नहीं, नहीं कुछ जगह बाकी है अच्छा और जो आप पंचायतों वाली बात कर रहे हो ये सही है कि सरकार ने करप्शन बंद करने के लिए एक तरीका अपनाया था कि पोर्टल चला के इसको लीगली करो टेक्निकल स्टाफ को भी स्ट्रेंथनिंग करो उससे पैसा हम नहीं खर्च कर पाए तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से बात हुई थी उन्होंने कहा कि इसको हम दोबारा से सुधार करके इस प्रकार का करेंगे कि सारा का सारा पैसा ये पंचायतें अपने लेवल पर खर्च कर सकें ताकि स्पीड बढ़े क्योंकि जब हम कोई नई नई स्कीम दे देते हैं तो उससे हम इतने ज़्यादा अभी तक पढ़े लिखे नहीं बने हैं बिल्कुल ऑनलाइन करना पोर्टल पर ये चढ़ाना अपलोड करना उसकी वजह से हमें दो चार जगह नुकसान हुआ तो नई सरकार ने अभी नायब सैनी जी से हमारी बात हुई थी कि इस चीज़ को हम सुधार लेंगे जी ताकि सारा पैसा खर्च हो ये जो इलाका है भिवानी का ये फौजियों का इलाका माना जाता है पुलिस वालों का इलाका माना जाता है बहुत सारे फौजी भिवानी में से जाते हैं दिल्ली पुलिस में भी कहें तो हरियाणा के ही ज़्यादा पुलिस वाले दिखेंगे तो अभी जो एक योजना अपनी आई सेना को लेकर की चार साल के लिए नौकरी मिलेगी उस योजना का युवाओं में क्या इम्पैक्ट है देखिए देश का किसान मजदूर पेट भरता है वही सुरक्षा और सुरक्षा करता है उसी घर में पैदा होता है जवान चाहे वो डिफेंस में हो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो या पुलिस स्टेट पुलिस में हो आपने कभी पहले बॉर्डर देखा होगा कितना कमज़ोर था हमारा आने जाने का साधन नहीं थे चाइना हमारे बॉर्डर पर बैठा था बेस बना लिए थे आज उस पैसे से हमने फ़ौज को स्ट्रेंथन किया आप रोड देखोगे फोर लेन नॉर्थ ईस्ट से लेकर कारगिल तक पहुंचना हमारा दस मिनट में हमारा वहाँ बेसम पहुँच जाते हैं हम और फौजियों को पहले छूट नहीं थी उदाहरण के तौर पर कश्मीर में जब ये आतंकवाद भयंकर चलाए इन लोगों ने किसी खास वर्ग द्वारा और वहाँ का सिविलियन जब मारा जाता था तो जो माइनॉरिटी में वहाँ चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो तो वहाँ पर फौज अगर उनको बचाने के लिए जाती तो भी उनको ये आदेश थे कि आप गोली नहीं चलाओगे आप अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाओगे मजबूरी में जब घिर जाता तो सुरक्षा के लिए कब चलाता तो उसी के खिलाफ कार्रवाई होती थी वहाँ जाके देखो कितना अमन चैन है दूसरा आपने कही योजना दूसरी हरियाणा सरकार ने बाकायदा आदेश कर दिया कि जो आदमी चार साल की नौकरी करके आएगा उसको यहीं पर हरियाणा स्टेट पुलिस में नौकरी देगी आप ट्रेंड अप सिपाही हो ट्रेंड सिपाही को हम एज इट इज़ विदाउट ट्रेनिंग हम यहाँ भर्ती करेंगे ये बात आप ठीक से पहुंचा पाए जनता तक योग डे था पिछले साल तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा घोषणा कर दी थी हाँ ये सही बात है कि वो सही उनके पास पहुंच नहीं रही अभी तक क्योंकि वो चार तारक चार साल की ट्रेनिंग करके आए नहीं है जैसे वो ट्रेनिंग करके आएंगे वो सीधे के सीधे पुलिस में भर्ती होंगे हमारे तो ट्रेनिंग तो करके आ जाएंगे ना लोकसभा के चुनाव तो चल रहे हैं नहीं नहीं अभी कहाँ अभी चार साल हुए नहीं है हाँ, ना

जो प्रतिनिधि है अलग अलग कार्य है तो लेकिन जो भिवानी संसदीय सीट के लोग हैं उनको लगता है कि हमारे गांव में अगर कोई नाली भी कच्ची है तो इसको पक्का करवाने का काम धर्मवीर जी का है तो वो जो वोटर्स हैं आपके सांसद के तौर पे उनको आप क्या समझाना चाहेंगे ये जो देखिए संविधान ने हमारी संविधान में भी आपकी संविधान बांट रखी जी जो सांसद है उनका काम है देश की सरकार की नीतियाँ बनाना जो पॉलिसी हमारी और वो जो पॉलिसी बनाएंगे वही तो स्टेट को पैसा देंगे बयालीस परसेंट पैसा भारत सरकार हर प्रदेश को देती है स्टेट का अपना बजट अलग है अब स्टेट का, का काम होता है स्टेट की सड़कें बनाना स्टेट को पानी पिलाना उदाहरण के तौर पर भारत सरकार ने कह दिया कि हर घर में नल और जल में जितना अपना पैसा चाहिए वो दो बारह से नहर सारी की सारी वाटर वर्क्स बनाओ लोहे की पाइपलाइन डालो ताकि 500 साल तक वो ख़राब ना हो जबकि पिछली सरकारें प्लास्टिक की और सीमेंट की डाल देती थी वो लीकेज हो जाता था ये सारा सिस्टम का पैसा तो बाहर सरकार ने दे दिया लेकिन इम्प्लीमेंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट अब पंचायतों को पैसा दोगे तो इम्प्लीमेंट तो स्टेट और पंचायत करेंगी भारत सरकार का सांसद का ये काम नहीं बचता कि ये गलीबी मैं बनवाऊँगा हम अपना बजट दिलवा सकते हैं स्टेट को और स्टेट बजट देगा नीचे ये एक सिस्टम है और क्योंकि पिछले दो साल एक इस हमारे देश दुनिया में ऐसे भी आए जो कोविड की वजह से हर आदमी डिस्टर्ब था उसमें सारे मुंह के पट्टी बांध रहे थे उसके बावजूद अगर आप देखोगे हमने तो हमारा सांसद का जो कोटा था भारत के प्रधानमंत्री जी ने सब ले लिया था हमने फिर भी डेढ़ करोड़ के आसपास के अपने आदमियों से अपने फंड से सरकारी फंड से नहीं हमने वेंटिलेटर भिजवाए हमने सैनिटेशन के लिए तकरीबन एक करोड़ बीस लाख के बड़े बड़े ड्रम सारी उसमें भेजे हमने पैंतालीस लाख के ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पैसे से लिए न कि सरकार से कोई पैसा नहीं लिया पर क्योंकि वो एक ऐसा समय था जिसमें हर आदमी डिस्टर्ब था एक दूसरे से हम मिल भी नहीं पाते थे जी अभी धर्मवीर जी कहें कि हम मिल नहीं पाते हैं तो ये तो गलत होगा क्योंकि धर्मवीर जी को जो लोग जानते हैं तो आपको खाटू श्याम जी के भगत के तौर पर जानते हैं भगवा ने कुर्ता बहुत समय से धारण किया हुआ और दोस्ती के लिए जानते हैं। अब जो लोकसभा का चुनाव है इसमें आपके दोस्त ही खड़े हैं सामने कोई बात विचारधारा की लड़ाई अरे मेरे पक्के दोस्त है अरे हाँ। राजनीतिक पार्टियों में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए हाँ सामाजिक संबंध अलग होते हैं और होने भी चाहिए ये जो चुनाव है ये विचारधारा का है उसकी विचारधारा कांग्रेस में रहेगी मैं दस साल से राष्ट्रीय विचारधारा में आ गया तो मैं अपनी विचारधारा से चुनाव लड़ रहा हूँ वो कांग्रेस की विचारधारा से लड़ रहे हैं कांग्रेस ने देश में क्या किया है अगर क्या करना चाहेंगे वो तो कांग्रेस का काम रह गया अब जो कांग्रेस की विचारधारा रखती हैं किरण चौधरी जी 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 अक्सर उनके परिवार के साथ आपका मुकाबला रहा है और आप उनको शिकस्त भी देते रहे हैं इस बार जो हमने बातचीत की यहाँ पे भिवानी में आके कह रहे इस बार तो धर्मवीर जी को किरण चौधरी का भी इनडायरेक्टली साथ मिल जाएगा क्योंकि श्रुति को टिकट नहीं मिली देखो ऐसा है बीजेपी और कांग्रेस में थोड़ा अंतर है बीजेपी एक सोच की है संगठन की सरकार है वो कांग्रेस में संगठन नहीं है कांग्रेस तो दस प्रकार की है ये उसकी कांग्रेस ये उसकी कांग्रेस ये उसकी कांग्रेस और कांग्रेस में वर्चस्व की इतनी लड़ाई है कि जो भी बनेगा वो ताकत केला अपने पास रखेगा वो मैंने आपके कई जो पुराने मित्र हैं उनसे बातचीत किए तो वो कहते हैं हमें तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप अलग अलग धड़े बनाओ और अपनी शक्ति दिखाओ तो उससे पार्टी और मजबूती मिलती नहीं, है नहीं नहीं पार्टी मजबूत होगी देश मजबूत नहीं होगा जी देखिए सरकार चलाना एक अलग चीज़ है और देश चलाना अलग चीज़ है बहुत से मुख्यमंत्री बहुत से प्रधानमंत्री सरकार तो चला लेते हैं देश नहीं चलाते आप मोदी जी देश चलाना चाहते हैं सरकार जी ये जो आपका दस साल का कार्यकाल रहा सांसद के तौर पे तो जो आपका इलाका है तो उसमें सांसद के तौर पर आपकी क्या उपलब्धियां रही और अभी जो तो आप, आप फिर से जनता के बीच उतर रहे हैं तो आप फिर वोट मांग रहे हैं आप पाँच साल के लिए अभी तो आप कह रहे हैं कि दो तक बना के रखो मैं क्यों हम 2014 से पहले का देश रहा आज का देश पहले का हरियाणा आज का हरियाणा पहले का ये लोकसभा क्षेत्र और आज का लोकसभा क्षेत्र हमें अगर पहले नॉर्मल जाना पड़ता तो मुझे तीन घंटे लगते थे आज मैं सवा घंटा पहुंच जाऊंगा पहले केवल एक नेशनल हाईवे क्रॉस करता था आज सात नेशनल हाईवे मेरी लोकसभा क्षेत्र को क्रॉस करते हैं अच्छा दो अलग गिनवा मेरे को भी जानकारी बढ़ेगी जानकारी हाँ हमारे आप दिल्ली से आए हो रोहतक के बाद खरक आने के बाद हमारी सड़कों का ऐसा हाल था कि गडे गडे टाइट सी सड़क थी ये सीधी हमने लोारू कर दी लोारू से पिलाने चली गई सीधा एक हो गया दूसरी सड़क जो एक बी चलती है नारनौल से और वो महेंद्रगढ़ बिहानी, बिहानी से होके आसी अभी काम भी चल जाओगे देखा होगा अपने बाईपास से ये एक बी है दूसरी सड़क तीसरी हमारी शिवानी को क्रॉस करती है शिवानी को टच करती है चौथी सड़क आपको मिलेगी हमारी झज्जर से झज्जर से उसका शायद सात सौ नौ नंबर है झज्जर से कहाँ जाए झज्जर वो मेर से चली वो हम सीधे दादरी बाड़ा होकर लोहारू ले गए सीधी और अब उसका एक दूसरा प्रपोजल जो हमारा मंजूर हो लिया हम झज्जर के गुडा से दादरी का पैरल ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं दादरी को भी बाईपास करके वो सीधा जाएगा बिलावल तक फोर लेन उसके बाद आप देखोगे ग्यारह नंबर जो आपने कभी देखा होगा रिवाड़ी की तरफ से हम आते हैं सड़कें कुछ नहीं थी आज वो सीधा नारनौल को क्रॉस करती है नारनौल को क्रॉस कर जाती है हमारी वो सड़कें इसी प्रकार से यहाँ से आप जाओगे जींद विवाणी से जींद सोनीपत जींद हो गया नहीं ये हमारा अलग नेशनल हाईवे है हांसी वाला अलग है ये अलग है, है। यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप मजबूत करोगे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करोगे अब देखोगे दो हजार तेईस तक तो इस रेल की शक्ल सूरत बदल जाएगी रेल रेल वाला जो सड़कों वाला काम है जो मुझे फीडबैक मिली है उससे जनता बहुत खुश है और आपने गिनवा भी दिए रेल को लेकर लेकिन काम नहीं हो आप भिवानी स्टेशन पर नान स्टेशन पर महेंद्रगढ़ स्टेशन पर दादरी स्टेशन पर जाके पूछो पहले कितनी ट्रेन चलती थी आज वो चार गुना ज्यादा ट्रेनें चलने लगी लंबी दूरी की चलने लगी लंबी दूरी की जैसे जैसे यहाँ से आप पहले कभी हरिद्वार नहीं थे कभी अमृतसर की तरफ कभी नहीं जाते थे यहाँ से बॉम्बे नहीं जाते थे यहाँ से आप हैदराबाद चले जाओ एक ही ट्रेन जाएगी सही समय पर पहुँचाएगी यानी स्पीड भी ठीक नई नई ट्रेन अलग अलग नाम दे और 2030 तक तो सारा जो अब चालू हो रहे हैं सारे स्टेशनों को नए बनाने लग रहे हैं यानी एक ऐसा सिस्टम देना चाहिए हरियाणा में भी स्टेशन का काम चल रहा है अरे हर स्टेशन पर आप जाके देखो और एक पर चले आप चलता मेरेगा बिल्कुल जाके देखेंगे और हम देख रहे हैं कि हाँ। जो अभी आगे वाली जो मीटिंग्स हैं आपकी वो भी आपके दिमाग में इस वक्त घूम रही हैं तो ज़्यादा समय मेरे लेने की इच्छा है लेकिन आज हम लेंगे नहीं फिर हमारा सपना है इस बार हम हाँ क्योंकि गुड़गावा दिल्ली में चालीस चालीस करोड़ का किला है हाँ। एक एकड़ वहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती हमारे नांगल चौधरी से लेकर नर तक व्यवहानी तक ज़मीन सस्ती है हमारे रॉ मेटेरियल नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी अब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरा हो जाएगा लगभग हो जाएगा एयरपोर्ट पर जाने के लिए हमारा और छः महीने में कंप्लीट काम होने लग रहा है खासकर दिल्ली बाईपास का मतलब इंडस्ट्री वगैरह हम केवल इन तीनों जिलों में बड़े परिवार भी हबार बड़े हब इंडस्ट्री लगाने पर हमारा फोकस रहेगा ताकि बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज आ जाएंगे इधर ज़मीन है बहुत सस्ती उधर ज़मीन है नहीं उसके बाद हमारा ये इलाका नंबर एक का हो जाएगा उधर की बजाय मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार और हरियाणा में 10 सीट्स हैं इस बार तो कितनी उम्मीद करें पहले लोग बगैर बात करते थे कि तुम्हारे सीट नहीं आएंगी नहीं आएंगी नहीं आएंगी लेकिन जब आई तो 10 की 10 आ गई मुझे तो लगता है वही मतदाता है वही मतदाता है वो देश की ज़्यादा सोचता है लीडरों से ज़्यादा मतदाता ज़्यादा समझदार है उनके लिए देश फर्स्ट है देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमारे तमाम खट्टे मीठे कड़वे सवालों का आपने जवाब दिया हमारी शुभकामनाएं आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया तो बहरहाल आज का द मुकेश राजपूत शो अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं लेकिन आप कहीं मत जाइए बने रहिए हमारे साथ क्योंकि शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा बने रहे हमारे साथ